श्यामटोमपुर गांव में सारा नाम की एक लड़की रहती थी। सारा दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां उसे काली बंदरिया कहकर खूब चिढ़ाया करती थी। सारा की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था तारा। तारा देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो भी सारा को उसके रंग रूप की वजह से उसका खूब मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन सारा की चाची बोलती है, सारा बेटा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ तारा के लिए कपड़े लेने, सोचा तेरे लिए भी ले आओ। तुम्हें कौन सी कलर का कपड़ा पसंद है? ये भी कोई पूछने की बात है माँ? खाली बंदरिया तो काला कपड़ा ही पहनेगी ना। ये हर वक्त मेरे साथ ऐसे ही करती है। तारा, आपने बहन से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चलो अब जल्दी से सारा से माफी मांगो। माँ, मैंने गलत क्या बोला है? जो इसे माफी मांगो, जो सच है मैंने वही तो बोला, और मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगी। हाँ, आई बड़ी, इधर बाहर भी लोग सारा की मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन सारा कुछ कुत्तों को रोटी खिला रही थी, तभी उसको गांव की दो लड़कियां टीना और मोना वहाँ नजर आई और बोली, अरे ये देखो कैसे ये काले बंदरिया कुत्तों को रोटी खिला रही है। इसे कहती है अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये बेजुबान जानवर तुम जैसे इंसानों से कोई गुना ज्यादा अच्छी है। कम से कम ये किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तो ठीक है, अगर इनसे इतना ही प्यार है तो तू उनमें शामिल क्यों नहीं हो जाती? हम इंसानों की बस्ती में क्यों रह रही है? सारा को जानवरों से बहुत ही प्रेम था। कभी वो बंदरों को केला खिलाती तो कभी कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सारा सुबह सुबह जंगल घूमने गई, तभी उसे वहाँ घायल अवस्था में एक चिड़िया दिखी। चिड़िया के पंख टूट गए थे। ये देख सारा को उसके ऊपर दया आया और वो उसे फौरन उठाकर अपने घर ले आई। उसने चिड़िया के पंखों में पट्टी बांधी और खाने के लिए बजरे के दाने और पीने के लिए पानी भी दी। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरह ठीक हो गई, तो सारा उसे वापस जंगल में छोड़ने गई। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, वो एक परी में बदल गई। ये देख के सारा चौंक गई। तभी परी बोली, मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं चिड़िया के रूप लेकर आसमान में घूम रही थी, तभी एक पतंग के पंजे से मैं नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरे बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई पाउडर है, इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस पाउडर को लगाकर जो कुछ बोलोगी वो सब सच हो जाएगा। सिंड्रेला परी सारा को जादुई पाउडर देकर वहाँ से गायब हो गई। परी से पाउडर पाकर सारा बहुत ही खुश होती है। क्या सच में जादुई पाउडर मेरे इस बदसूरत रंग को गोरा बना सकती है? मैं अभी इसे अपने फेस पर लगा के देखती हूँ। सारा ने जैसे ही जादुई पाउडर को अपने फेस पर लगाया, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी हूँ। आप देखती हो कौन मेरा रंग का मजाक उड़ाता है। अब इस जादुई पाउडर की मदद से गांव में जिन लोगों ने मेरे मजाक उड़ाया है उनसे मैं अपना बदला लूंगी। सारा मन में बदले की भावना लिए जादुई पाउडर को लिए हुए घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा कि टीना तैयार होके अपने होने वाले पति रोहन से मिलने जा रही है। सारा उसकी पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंची। टीना पार्क में अपने होने वाले पति रोहन से बात कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे, फिर हम हनीमून मनाने लंदन जाएंगे। कितना मजा आएगा। हाँ टीना, हम जरूर जाएंगे। टीना, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उधर सारा एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी।
इस टीना ने मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया था ना, इससे मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर सारा उस जादुई पाउडर को अपने फेस पर लगाती है और बोलती है, टीना को 75 साल की बुढ़िया बना दो। सारा की इतना कहती ही टीना 75 साल की बूढ़ी में बदल जाती है। अरे टीना, कहाँ हो तुम और आप कौन है अम्मा? टीना कहाँ गई? जी, मैं ही आपकी टीना हूँ। आपके सामने तो बैठी हूँ, मैं ही तो हूँ आपकी टीना। नहीं, मैं बुढ़िया से शादी कभी नहीं करूँगा, भागो यहाँ से। ये कहते हुए टीना के होने वाले पति रोहन टीना को बुढ़िया कह के वहाँ से भाग जाती है। सुनो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? वापस लौट जाओ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। ये हुई ना बात, इस टीना की बच्ची को तो सबक सिखा दिया, अब उस मोना की बारी है। फिर सारा मोना को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची। मोना घर में बैठकर खाना खा रही थी, तभी सारा चुपके से जादुई पाउडर लगाकर बोली, मोना को एक बुरी भिखारिन बना दो। सारा के इतना बोलते ही मोना एक बुरी भिखारिन में बदल गई। तभी सारा मोना के माँ को आवाज देते हुए बोली, आंटी जी जल्दी से बाहर आइए, देखिए ना आपके घर में एक भिखारिन घुस आई है और आराम से बैठकर खाना खा रही है। तभी मोना की माँ बाहर आई। अरे, इस भिखारिन मेरे घर में कैसे घुस आई? चल भाग यहाँ से। इतना बोल के उसने मोना को धक्का मारकर घर से निकल दिया। ये देख के सारा मन ही मन बहुत खुश हुई। मोना को भी सबक सिखा दी, अब मेरे प्यारी बहन तारा की बारी है। सारा जब घर आई तब तारा अपने कमरे में बैठी थी। अरे आ गई, तो कहाँ थी इतनी देर तक काली बंदरिया? ये कहते हुए तारा ने जैसे ही सारा को देखा वो हैरान रह गई। अरे तू, और तू इतना सुंदर कैसे बन गई? बता मुझे। अभी बताती हूँ, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। सारा झट से जादुई पाउडर अपने फेस पे लगाती है और बोलती है, जादुई पाउडर इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले तारा कुछ समझ पाती तभी वो एक काली और बदसूरत लड़की में बदल गई। अरे अरे, ये मेरे गोरे रंग को क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? इस तरह जिन जिन लोगों ने सारा की मजाक उड़ाया था, एक एक करके वो सबसे बदला लेती है। गांव के सभी लोग परेशान हो गई। एक दिन सिंड्रेला परी उसी गांव के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसने गांव में लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतरी और गांव वाले से रोने का कारण पूछी, आप सब लोग रो क्यों रही है? गांव में कोई समस्या आई है क्या? क्या बताओ परी जी, सारा ने ना जाने कहां से एक जादुई पाउडर लेकर आई और उसकी मदद से उसने मेरी बेटी को बुढ़िया बना दिया। हाँ, उसने मेरी बेटी को भी बुढ़िया बना दिया, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? ये सब सुनकर परी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वो तुरंत सारा के पास जाकर बोली, मैंने तुम्हें अपना जादुई पाउडर लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन इस गांव वाले ने मेरे बहुत मजाक उड़ाया। मैंने उन लोगों के साथ ऐसा किया है कि ताकि वो भविष्य में किसी का मजाक उड़ाने का हिम्मत ना करे, लेकिन सारा उन्हें उनका गलती का एहसास दिलाने का तुम्हारी ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैंने उस जादुई पाउडर तुम्हें ये सोच कर दिया था ताकि तुम उसका उपयोग अच्छे कामों करने के लिए करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानती थी। सिंड्रेला परी की ये बात सुनकर सारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे इस जादुई पाउडर को वापस ले लीजिए और सभी लोगों को पहले की तरह बना दीजिए। सिंड्रेला परी अपना जादुई पाउडर वापस लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी, तुम अभी जैसी हो वैसे ही रहोगी। और फिर सिंड्रेला परी अपना जादू की मदद से उन सभी लोगों को पहले जैसा बना देती है।
सभी लोग अपना रूप वापस पाकर परी का धन्यवाद करती है और सारा से भी अपने किए हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सिंड्रेला पूरी अपना जादुई पाउडर लेकर परी लोग चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसे ही नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहे। फिर मिलेंगे, बाय।